आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के गट्टों की सब्जी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है और आसानी से बनाई जा सकती है। इसे बच्चे, बूढ़े, जवान बहुत चाव से खाते हैं। रोटी, परांठे या पूड़ी के साथ में आसानी से खा सकते हैं। ये देखिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साइड में दिए गए बेल बटन को दबाना न भूले ताकि अगली जानकारी आपको समय पर मिले। हेलो फ्रेंड्स, माय डिश माय तड़का तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के गट्टों की सब्जी। ये देखिए, जिसके लिए हमने 200 ग्राम बेसन लिया है और एक कटोरी दही। और देखिए, अन्य सामग्री जो चाहिए इस प्रकार से है: दो प्याज जिनको बारीक काट लिया है, 8-10 कलियां लहसुन की और आधा इंच अदरक का जिनको ग्राइंड कर लिया है, और दो टमाटर जिनको ग्राइंड कर लिया है, और देसी घी काम में लेंगे। इसके अलावा खड़े मसाले हैं जो देखिए इस प्रकार से है: साबुत धनिया और अजवाइन और सौंफ और जीरा और राई और काली मिर्च और 1 चम्मच मेथी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी हींग काम में लेंगे। और ये देखिए, सरसों का तेल काम में लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले खड़े मसाले को तवे पर भुनेंगे हल्का सा। ये देखिए, इस प्रकार से गैस का फ्लेम है तो मीडियम रखेंगे ताकि लगे नहीं, हल्का सा भुनेंगे। ये देखिए, खड़ा मसाला है जो हल्का सा भुन गया है। अब इसको ये देखिए ओंखली में इसको हल्का सा कूट लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हल्का सा कूट लेंगे। बेसन के गट्टे बनाने के लिए बड़े बर्तन में इनको गूंदेंगे। ये देखिए, सबसे पहले बेसन का मिलेंगे और जो खड़े मसाले थे वो मिला लेंगे, और देसी घी जिसे बहुत ही नरम हो जाता है, और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, अब आवश्यकता अनुसार इसमें दही डाल देंगे थोड़ा, जिसे और भी नरम हो जाए। ये देखिए, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि आसानी से बन जाए। ये देखिए दोस्तों, आटे को आप जितना गूंदोगे उतना ही सॉफ्ट और अच्छे गट्टे बनेंगे। ये देखिए, थोड़ा घी और डालेंगे ताकि अच्छे से नरम हो जाए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आटा गूंदा है। अब इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। ये देखिए, आटा है जो बहुत ही अच्छे नरम हो चुका है। अब इसके गोल गोल आकृति के गट्टे बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से गोल आकृति के लंबे लंबे गट्टे बनाएंगे और इनको काट लेंगे। फिर ये देखिए, गट्टे उबालने के लिए पानी जो गर्म है, इस प्रकार से पहले पानी गर्म कर लेंगे, उसके बाद में गट्टे है जो इनमें डाल देंगे ताकि नरम हो जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से एक एक करके इनको पानी उबलते हुए पानी में डाल देंगे। देखिए, कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालेंगे, तेल को गर्म करेंगे अच्छे से। ये देखिए, दही में सबसे पहले मिर्च डालेंगे और हल्दी और धनिया और नमक स्वाद अनुसार, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले मेथी डालेंगे, उसके बाद में हींग और प्याज और लहसुन, अदरक का पेस्ट, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, गट्टे हैं जो अच्छे से उबाल खाने लगे हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। ये देखिए, प्याज है जो ब्राउन हो चुके हैं। अब सबसे पहले टमाटर का पेस्ट डालेंगे, इसको मिलाने के बाद में जो दही में मसाला डाला था वो डाल देंगी।
इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों अच्छे से पक चुके हैं, अब इसको जर की सहायता से बाहर निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो जर से निकल जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पके हैं, तैयार हुए हैं। ये देखिए दोस्तों मसाला है जो अच्छे से पकने तैयार होने लगा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। ये देखिए जो गट्टू का पानी है वो फेंकेंगे नहीं, इसी में काम में लेंगे। मसाला है जो पक चुका है, अब इसमें जो गट्टू का पानी था वो डाल देंगे, इससे और भी अच्छे गट्टे बनेंगे। ये देखिए चक्कू की सहायता से इनके छोटे पीस बना लेंगे, इस प्रकार से अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कट रहे हैं, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से छोटे छोटे पीस बना लेंगे। और जो ये सब्जी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि इसमें पड़ने वाले मसाले होते हैं, अजवाइन है, मेथी है, धनिया है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। ये देखिए दोस्तों गट्टे बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन गए हैं और गोल आकृति में इनको काट लिया है। अब मसाला तैयार हो चुका है, इसमें डालेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है, अब इसमें एक एक करके डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों मसाला है जो बहुत ही अच्छी खुशबू देने लगा है और बहुत ही अच्छे गट्टे बनेंगे। अब इसको ढकेंगे 2-5 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों ढक्कन हटाकर देखते हैं, गट्टे की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। ये देखिए अच्छी खुशबू आने लगी है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। गैस बंद कर देंगे, सब्जी है जो बन चुकी है, अब इसको ठंडा होने देंगे 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद में सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अच्छा दोस्तों बेसन के गट्टे बनाने की ये विधि अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगली जानकारी आपको समय पर मिले। अच्छा धन्यवाद।